वेरी गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नो योर नेचर, तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है, जाने पूरी जानकारी। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग की। दोस्तों फार्मिंग का मतलब होता है खेती किसानी करना, और मल्टी लेयर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, यानी कि एक ही सॉयल में, एक ही खेत में जब हम अलग अलग लेयर पे कई सारी फार्मिंग करते हैं, यानी मल्टीपल फार्मिंग जब करते हैं, तो उसी को मल्टी लेयर फार्मिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फिगर में भी, ये नीचे जो है कि नीचे कुछ सागबाजी लगाई गई है, उसके बाद बांस के सहारे जो है कि कोई बेल वाली फसल ऊपर मचान के ऊपर लगाई गई है, फिर बीच बीच में जो है कि आप देख सकते हैं बीच बीच में आपको किसी पेड़ की फसल लगाई गई होती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जमीन में बैठने वाली फसल अलग से लगाई जाती है, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। जिन किसानों के पास खेती कम होती है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनको जो है कि कम जगह से अधिक मुनाफा लेना है, वो किसान जो है कि मल्टी लेयर फार्मिंग का चुनाव कर सकते हैं। काफी बेहतरीन, काफी लाभदायक और काफी सहूलियत पूर्ण ढंग से किया जा सकता है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो समझिए इसकी पूरी जानकारी, चलिए बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की। तो मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है दोस्तों, व्हाट इज मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है उसको समझते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग खेती करने का एक नया तरीका है जो पुराने तरीके से बिल्कुल भी अलग होता है। मल्टी लेयर फार्मिंग में किसान एक फसल के साथ कई अन्य फसलों को भी उगाते हैं, जिससे उनके खर्चे भी कम हो जाते हैं और मुनाफा भी अधिक होता है। देश भर में लाखों किसान मल्टी लेयर फार्मिंग के तरीकों को अपनाकर कई गुना अधिक लाभ कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफी वायरल हो रखा है, काफी लोग मल्टी लेयर फार्मिंग का यूज कर रहे हैं। तो आप भी अपने खेतों में, अपने किचन गार्डन में मल्टी लेयर करिए। मल्टी लेयर करने से बहुत सारे फायदे हमें एक साथ मिल जाते हैं। हम जो है कि कई सारे फसल, कम से कम चार पांच फसल को एक साथ लगा करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आमतौर पर जब हम कोई ऑर्डिनरी फसल लगाते हैं, एक सिंगल फसल जब लगाते हैं, तब हम जो है कि 6 महीने का, 4 महीने का इंतजार करते हैं, एक लंबा इंतजार करते हैं, उसके बाद जो है कि फसल तैयार होती है, उसके बाद जो है कि उसका रिटर्न मिलता है। वो भी फसल तैयार होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसल या तो आंधी से खराब हो जाती है, या पानी से खराब हो जाती है, या फिर किसी और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से फसल हमारी खराब हो जाती है, तो हमें उतना अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है सिंगल फसल में। लेकिन अगर मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो हमें जो है कि हर एक अंगल से फसल की सिक्योरिटी मिल जाती है। कोई एक दो फसल हमारा नुकसान भी हो गया तो बाकी की तीन फसलें हमें अच्छा रिटर्न दे जाती है। हमें जो है कि 6 महीने या 4 महीने का इंतजार नहीं करना होता मल्टी लेयर में, हमें जो है कि हर महीने कुछ ना कुछ हमारे पॉकेट में आता रहता है। तो एक बेहतरीन सौदा है दोस्तों मल्टी लेयर फार्मिंग का। तो चलिए समझते हैं अगले स्लाइड में, ये देख सकते हैं ये मल्टी लेयर फार्मिंग किसान भाई ने किया हुआ है यहाँ पे। तो ये खेती की एक ऐसी तकनीक है या ऐसी विधि है जिसके तहत एक ही खेत से एक ही सीजन में एक ही साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन इससे सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए, ऐसा ताकि ऐसा न हो कि कोई एक फसल दूसरे फसल पर गलत प्रभाव पैदा कर दे। इसलिए मल्टी लेयर फार्मिंग की बारीकियों को समझने के लिए समुचित ट्रेनिंग की बहुत अहमियत है। यहाँ दोस्तों नए किसान मल्टी लेयर फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूर ले लें। मल्टी लेयर जहां पे हो रहा है उसको देख के आए, उसके स्टेप को देख के आए, उसके क्रॉप सिलेक्शन को देखें कि किसान भाई उसमें कौन सी क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी भी क्रॉप को आप मल्टी लेयर में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो काफी एक साइंटिफिक तरीका होता है मल्टी लेयर फार्मिंग का, उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित भी करेंगे कि कैसे मल्टी लेयर फार्मिंग किया जा सकता है। तो कैसे लाभदायक है मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग के फायदे को उदाहरण से समझें कि यदि एक खेत में सिर्फ अदरक
या हल्दी पैदा किया जाएगा तो वहां सिर्फ अदरक या हल्दी वाली ही आमदनी होगी, लेकिन यदि उसी खेत में अदरक या हल्दी के साथ दो तीन अन्य फसलें उपजाएं तो आमदनी का बढ़ना स्वाभाविक है। यही खूबी है मल्टीलेयर फार्मिंग की। इसमें जमीन के नीचे पैदा होने वाली पहली लेयर या परत होती है, यानी कि पहला जो फसल हम चुनाव करते हैं वो जमीन के अंदर पैदा होने वाली करते हैं, जिससे हल्दी या अदरक कर लेते हैं, कंद वाली फसल, ठीक है, ये इसमें मुख्य होती है। ये देखिए कुछ मल्टीलेयर फार्मिंग के कुछ पिक्चर्स हमने लगाए हुए हैं दोस्तों। ये पिक्चर्स हैं मल्टीलेयर फार्मिंग के, उसमें बड़े बड़े ट्री भी लगा सकते हैं। ट्री क्या करती हैं कि अपना न्यूट्रिशन वो जो है कि अंदर से लेती हैं, मिट्टी के बिल्कुल अंदर से लेती हैं। कुछ ट्री जो छोटी वाली होती हैं वो ऊपर से लेती हैं, कुछ और छोटी वाली ट्री बिल्कुल टॉप से लेती हैं, और कुछ ग्रास वाले पौधे जैसे कि पालक या फिर गाजर वगैरह क्या होता है, बिल्कुल टॉप सरफेस से, बिल्कुल ऊपरी सरफेस से न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरीके से आपस में कोई कंपटीशन भी नहीं होता है फसलों का, और सबको बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है, और सभी फसल एक अच्छा रिटर्न दे जाती है। तो ये खूबियां हैं मल्टीलेयर फार्मिंग की। थोड़ा सा इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए पॉली जो लेयर होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कंद वाली फसलों का चुनाव करते हैं, जैसे अदरक या हल्दी सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसमें जो है कि हम लोग जमीन की सतह के ऊपर बढ़ने वाली फसल का चुनाव करते हैं, जैसे साग या सब्जी वगैरह, ठीक है, जैसे पत्तेदार सब्जी, मेथी, पालक, चौलाई, ये सब फसलों का चुनाव करते हैं सेकेंड लेयर में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी आवाज आ रही है। तो साग और सब्जी का हम लोग सेकेंड लेयर में जो है कि चुनाव करते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर, इसी जमीन पर सूझबूझ के साथ फलदार या इमारती लकड़ियां देने वाली पेड़ों को लगाया जाता है, ठीक है। तीसरी लेयर में हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में पपीते का पेड़ लगा देते हैं। पपीता काफी हाइट तक जाता है और उसका जो छाए का प्रभाव ज्यादा फसलों पे नहीं पड़ता है, तो 8-8 फीट की दूरी पे पपीता लगा देते हैं। तीसरा फसल हो गया दोस्तों। पपीता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बहुत ही बेहतर काम करता है, बहुत ही जल्दी रिटर्न देता है। 5-6 महीने में भी नहीं जो है कि पपीता से रिटर्न आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरा फसल हो गया हमारा पपीता। और चौथे फसल के रूप में हम लोग जो है कि ऐसी फसलें चुनते हैं जो खेत से पोषण तो ले, लेकिन जिसका विस्तार बेल या लतर के रूप में हो। तो चौथी फसल हम लोग बेल वाली लेते हैं, जैसे परवल, जैसे कि कुद्रुन, जैसे कि कोई भी बेल वाली फसल जिसकी पत्तियां छोटी हों, जैसे लौकी, करेला, ये सब लेते हैं हम लोग, ताकि उनका जो है कि हम लोग मचान बना देते हैं, उसका बांस से जो है कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। फिगर हमने कई कई लगाया हुआ है, देखिए ये मचान बना दिया गया है। ये इस मचान के ऊपर बांस से जो है कि बेल वाली फसल ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर जो है कि कुछ पुआल वाल रख करके, सरसों के डंठल वगैरह रख करके थोड़ा बहुत छाया कर दिया जाता है। उस छाए का प्रभाव जो है कि नीचे वाली फसल पे बिल्कुल नहीं होता है, नीचे वाली फसल आराम से ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो ऊपर जो है कि हम कोई फसल लगा देते हैं, उससे क्या हो जाता है हमारा कि बेल वाली फसल ऊपर आराम से चढ़ जाती है और ऊपर जाकर के प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से किसान जब मल्टीलेयर फार्मिंग के लिए अपना खेत तैयार करते हैं तो उसमें बाकी फसलों के अनुरूप खाद वगैरह का इंतजाम भी करते हैं। किसी एक फसल के लिए की जाने वाली सिंचाई की अन्य फसलों के भी पानी की जरूरतों को पूरी कर देती है। यही विशेषताएं किसानों को मल्टीलेयर फार्मिंग की ओर आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक फसल के लिए जो हम इंतजाम करते हैं वो सारी फसल के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यही फायदा होता है मल्टीलेयर फार्मिंग का। उसके बाद दोस्तों कुछ जागरूक किसान क्या करते हैं कि पांचवी फसल, अब तक हमने चार फसल की बात किया, पांचवी फसल को कुछ जागरूक किसान क्या करते हैं कि जो ये बांस है, ये जो बांस लगाई गई है, बंबू लगाया गया, बंबू से एक दीवार बन जाता है, यहां से बंबू एक दीवार पूरा बन जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा ड्रा करके बता दे रहा हूँ आपको। ये बंबू से जो है कि दीवार का फॉर्मेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसी दीवार पे जो है कि रस्सियां बांध करके एक नई फसल लगा देते हैं, ठीक है, पांचवी फसल, और उसका भी मैनेजमेंट कर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों इसमें मैनेजमेंट की। अगर आप दिनों रात लग करके मैनेजमेंट करते हैं सही तरीके से, सही ढंग से, तो मल्टी लेयर आपका बिल्कुल सक्सेस हो जाता है, बिल्कुल सक्सेस होता है और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। तो पांचवी फसल इस पे लगा देते हैं, जैसे कि तोरई,
तोरी हो गया, इसके लौकी हो गया, कद्दू वगैरह तो नहीं लगा सकते, काफी भारी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मल्टीलेयर फार्मिंग से 4 गुना ज्यादा कमाए। ये देखिए इसके अंदर गेंदा लगा दिया किसान भाई ने, और इसके अंदर थोड़ा से गोभी लगा दिया, दीवारों पे भी लगा दिया, ऊपर भी बढ़ने के लिए पौधों को चुनाव कर लिया। तो ये सब खूबसूरती है मल्टीलेयर फार्मिंग की। तो दोस्तों जैविक खेती में आदर्श है मल्टीलेयर फार्मिंग। जैविक खेती में अगर आप करते हैं, जैविक तरीके से मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं, तो आपको और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैविक खेती में आदर्श है मल्टीलेयर फार्मिंग। तो समझते हैं कैसे मल्टीलेयर फार्मिंग और जैविक खेती को यदि गाय भैंस पालन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से भी जोड़ दिया जाए, तो किसान की कमाई और बेहतर हो सकती है, क्योंकि पशुपालन की बदौलत आसानी से जैविक खाद बनाई जा सकती है और ड्रिप सिस्टम से पानी और ईंधन की बचत होती है। विशेषज्ञों के हिसाब से यदि किसान इस आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करे, तो परंपरागत खेती की तुलना में उनकी कुल लागत जहाँ 4 गुना तक कम हो सकती है, वहीं आमदनी 6 से 8 गुना तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अंधी कमाई है बिल्कुल, इसमें मल्टीलेयर फार्मिंग में अंधी कमाई है। आपकी लागत 4 गुना तक कम हो जाएगी पहले, उसके बाद आपकी आमदनी 6 से 8 गुना तक बढ़ जाएगी। आप अगर जो है कि पॉली हाउस के अंदर मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं, तो आपकी बहुत जबरदस्त इनकम हो जाती है। उस केस में आपकी लागत कुछ नहीं लगती है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, जैविक तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी लागत बिल्कुल कम हो जाती है और आपको 6 से 8 गुना तक जो है कि आपकी आमदनी होती है। छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और आपको एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। पहले महीने से ही आपकी जो है कि इनकम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कम से कम कुछ किसानों का तो दावा है कि 10 गुना। कुछ ऐसे मित्र हैं जो मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं और यूट्यूब पे वीडियो भी डालते रहते हैं, उन्होंने ऐसा भी दावा किया कि 10 गुना तक जो है कि वो एक एकड़ से काफी ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीलेयर फार्मिंग काफी बेनिफिशियल है, काफी फायदेमंद है, फायदे का सौदा है। तो दोस्तों जरूर करिए, जरूर ट्राई करिए, और अगर आप ट्राई भी करते हैं तो कोई खास नुकसान इससे नहीं होने वाला है। इसमें आपको आपकी एक दो फसल तो बिल्कुल ही सेफ बच जाएगी। मान लीजिए आप 5 फसलों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, आप में इंतजाम आप नहीं कर पा रहे हैं, पांचों फसलों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, पांचों फसलों का न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि खाद पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो फसलें आपको तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। ठीक है, मल्टीलेयर फार्मिंग में हम लोग पहला फसल चुनते हैं अदरक हल्दी। तो अदरक हल्दी जो है कि आराम से निकलती है, और उससे जो है कि अगर अप्रैल महीने में अदरक और हल्दी आप लगाते हैं, तो वो अदरक और हल्दी जो है कि 7 से 8 महीने के बाद काफी अच्छा रिटर्न देती है। उसके बाद निकलता है उसके अंदर से पालक, मेथी, इन सब का भी जो है कि अच्छा रिटर्न मिलता है। धनिया भी लगा सकते हैं उसके अंदर साग भाजी के रूप में। तीसरी फसल हमने बताया था पपीता। पपीता भी आराम से उत्पादन देता है और 1 एकड़ एरिया में खूब बढ़िया लाभ देता है आपको। पपीता में भी कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पपीता ग्रो होता है और बढ़िया रिटर्न देता है। चौथी फसल फैल के बढ़ने वाली जो मचान के ऊपर बढ़ती है, जो बांस वगैरह लगा करके ऊपर शेड के ऊपर लगा करके लगाते हैं, तो उससे भी आराम से परवल लगा दीजिए उस पे, चाहे उस पे लतरा लगा दीजिए, लतरा नहीं सॉरी परवल या फिर कुद्रुन या फिर उसके ऊपर करेला, ये सब आराम से उस पे ग्रो होता है और बढ़िया रिटर्न देता है। चौथी फसल ये हो गई। पांचवी फसल आपको जो है कि कोई भी लतर फैल के बढ़ने वाली लतर वाली दीवालों पे लगा सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीलेयर का फायदा दोस्तों, इसको जरूर करिए, और इससे कम से कम आपकी आमदनी 6 से 8 गुना तक बढ़ जाएगी। अगर नहीं भी बढ़ेगी तो कम से कम आपको 2 गुना आमदनी तो दे के जाएगी। अगर आप नए किसान हैं, तो नए किसान हैं तो आपको 2 गुना आमदनी दे देगी। जितना आप एक फसल से लेते हैं आमदनी, उससे 2 गुना आमदनी आपको मल्टीलेयर फार्मिंग दे ही देगी पहली बार में, अगर आप बिल्कुल नया प्रयोग कर रहे हैं तो। अगर थोड़े से माहिर हो जाएंगे कार्य करने में, उसके बाद तो आपको 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक जो है कि इनकम मल्टीलेयर फार्मिंग से मिलेगी। तो दोस्तों इस सेक्टर में आगे बढ़िए, इसमें काम करिए, इसमें हम अपना इंटरेस्ट जगाइए, ताकि हम देश की जीडीपी
यानी सकल घरेलू उत्पाद में एक बड़ी बेहतर सहयोग करें और अपना पॉकेट के साथ साथ देश को भी मजबूत बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का अंत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।